अरंडी खरीफ सीजन की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। बता दें इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है। हमारे देश में इसकी खेती विभिन्न क्षेत्रों में होती है और खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तो कई किसानों ने इसकी खेती को अपनाया हुआ है। बता दें अरंडी के तेल में उपलब्ध रिसोनोलिक नामक अम्ल वसा की करीब 93% मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते इसका औद्योगिक महत्व काफी ज्यादा है। और इसी के चलते बता दें आपको कि हमारी सरकार द्वारा हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसकी खेती को अपनाएं, ताकि घरेलू स्तर पर तो इसका उपयोग हो ही, साथ ही इसका निर्यात भी बढ़ाया जा सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। बता दें आपको कि इसका जो इस्तेमाल है वो कई तरह के सौंदर्य उत्पाद बनाने में भी किया जाता है और ये पशुओं के लिए भी काफी अच्छा रहता है। उनके अगर हम इलाज की बात करें तो इसके तेल का उपयोग किया जाता है। अब इतनी सारी महत्ताएं हैं अरंडी की, तो आइए आज का हमारा कृषि विशेष कार्यक्रम अरंडी के नाम। नमस्कार, मैं आदिति शर्मा कृषि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि इतना बखान मैंने कर ही दिया है अरंडी का, तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अरंडी की खेती कर सकते हैं, इसके कई तरह के फायदे क्या क्या हैं, कौन सी सावधानियां हैं और कौन से प्रबंधन है जो आप कर सकते हैं जिससे आप उपज में बढ़ोतरी कर सके। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। अरंडी यूफोब्रिएसी फैमिली का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम रिकिनस है। अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल का उत्पादन करने वाली खरीफ की मुख्य व्यवसायिक फसल है। कम लागत में होने वाली अरंडी के तेल का व्यवहारिक महत्व होने के कारण इसको नकदी फसल भी कहा जा सकता है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल का आपको दोहरा लाभ मिल सकता है। इसकी फसल से किसान भाई पहले तेल निकाल कर बेच सकते हैं, उसके बाद बची हुई खली से खाद बना सकते हैं। इस तरह से किसान भाई अरंडी की खेती करके दोहरा लाभ कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं अरंडी की खेती कैसे की जाती है। अरंडी तेल का पेड़ एक पुष्पीय पौधे की 12-मासी झाड़ी होती है, जो एक छोटे आकार से लगभग 12 मीटर के आकार तक तेजी से पहुंच सकती है, पर ये कमजोर होती है। इसकी चमकदार पत्तियां 15 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी हथेली के आकार की, 5 से 12 सेंटीमीटर गहरी पाली और दांतेदार हंसिये की तरह होती है। उनके रंग कभी कभी गहरे हरे रंग से लेकर लाल रंग या बैंगनी या पीतल लाल रंग तक के हो सकते हैं। तना और जड़ के खोल भिन्न भिन्न रंग लिए होते हैं। इसके उद्गम व विकास की कथा अभी तक अध्ययन अधीन है। ये पेड़ मूलतः दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर, पूर्वी अफ्रीका एवं भारत की उपज है, किंतु अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खूब पनपा और फैला हुआ है। भारत अरंडी के उत्पादन में सबसे आगे है, जिसके बाद चीन और ब्राजील आते हैं। भारत अकेले करीब 8,30,000 टन, चीन 2,10,000 टन और ब्राजील 91,510 टन अरंडी तेल का उत्पादन करता है। अरंडी के तेल का वैश्विक उत्पादन लगभग 10 लाख टन प्रति वर्ष होता है। इसके सर्वोच्च उत्पादकों में भारत, चीन एवं ब्राजील हैं। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन प्रारंभ होते ही आप अरंडी की खेती की ओर ध्यान लगा लेते हैं। अरंडी की खेती देश के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्यों में प्रमुखता से की जाती है। अरंडी के बीज से जहां तेल प्राप्त होता है, वहीं तेल निकलने के बाद बचे अवशेष, जिसे खली कहा जाता है, इसे पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। खली की बिक्री से भी किसानों को काफी फायदा होता है। अरंडी एक बहुत ही लाभदायक फसल मानी जाती है। इससे निकलने वाला तेल का प्रयोग बहुतायत से इंडस्ट्री में होने से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। अरंडी का तेल जानवरों की सेहत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका तेल जानवरों के पेट की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मददगार माना जाता है। पशु चिकित्सा में इसको जानवरों का कब्ज दूर करने से लेकर कई अन्य रोगों में प्रयोग किया जाता है। अरंडी की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से लगाया जा सकता है। कम पानी वाले क्षेत्र राजस्थान में ये बेहतरीन फसल मानी जाती है।
अरंडी की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बात करें हम दोमट मिट्टी की, काली मिट्टी की, या फिर ऐसी बलुई मिट्टी की जो गहरी हो और पानी सोखने की क्षमता रखती हो। जी हाँ, ये सभी प्रकार की मिट्टियां अरंडी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। बता दें आपको कि अरंडी की जो जड़ें हैं वो काफी गहराई तक जाती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसकी गहरी जुताई की जाए, मिट्टी पलटने वाले हल से की जाए। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि इसकी खेत की जो तैयारी है वो डिस्क हैरो के इस्तेमाल या फिर देसी हल के इस्तेमाल से की जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको बीज डालने हैं, उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना है और साथ ही सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। आइए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अरंडी की खेती के लिए सामान्यतः दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए ऐसा क्षेत्र बेहतर माना जाता है जहां पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था न होने पर फसल खराब हो सकती है। अरंडी की खेती की बुआई के समय करीब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और कटाई के समय करीब 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेहतर होता है। अरंडी की फसल 5 से 6 पीएच वाली सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है। सिंचित क्षेत्रों में रबी की फसल की कटाई के बाद पलेवा देकर अरंडी का पौधा लगाना अच्छा होता है। अगस्त और सितंबर महीने में सोइंग करने के बाद आपको कम से कम शुरुआती 40-50 दिन इसमें वीड का बहुत ध्यान रखना होता है। जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो है 35 से 50 दिन। उस दौरान आपको एक बार इसमें कचरा नहीं होने देना है। अगर इसके टाइम पे कचरा होता है तो अरंडी की पैदावार पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपको सोइंग के 20-25 दिन बाद एक बार ट्रैक्टर द्वारा या हाथ से ही बीच में कचरा साफ कर देना है। उसके बाद 40-45 दिन पे एक बार फिर इसमें निराई गुड़ाई करनी है। किसान भाइयों, सबसे बेहतर तो यही होगा कि खेत में नमी की अवस्था में जुताई करें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह खेत को तैयार करके एक सप्ताह तक खुला छोड़ देना चाहिए जिससे पूर्व फसल के कीट व रोग धूप में समाप्त हो जाएं। अरंडी की फसल लगाने से पहले खेत की पहली जुताई के समय 4-5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालकर जुताई करें। अरंडी के पौधों की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 सेंटीमीटर से कम न रखें। 120 सेंटीमीटर या 4 फीट पंक्ति से पंक्ति दूरी रखनी होती है और पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर या फिर 3 फीट रखनी होती है। अरंडी का पौधा 2 सीजन चलता है। अरंडी 160 से 200 दिन तक की फसल होती है। बुवाई का उचित समय अगस्त का पहला हफ्ता बेहतर होता है। अरंडी का पौधा जो है वो करीब 2 सीजन चलता है, तो 160 से 200 दिन की फसल ये होती है। अगर आप सिंचित लेते हो तो 200 से 240 दिन तक ये फसल चलती है। बुवाई का जो समय है वो पहला सप्ताह आपके जो अगस्त का है उसमें इसकी बुवाई करना उचित रहेगा, ताकि मानसून का जो बारिश होने के बाद जो वीड ग्रो होती है या कचरा जो उगता है वो एक तरह से पूरा उग जाए, उसके बाद उसे वापस दबा दिया जाए। मानसून लगभग अगस्त में आधा वर्ष चुका होता है, तो उसके बाद इसकी बुवाई की जाती है। अरंडी की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए अच्छी और उन्नत किस्मों का प्रयोग बेहद जरूरी है, क्योंकि देसी किस्मों की तुलना में उन्नत किस्मों की उपज अधिक होती है। उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से फसल में कीड़े व बीमारियों का प्रकोप भी काफी कम होता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो किस्मों का चुनाव करने के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से एक बार जरूर सलाह लें। अरंडी की उन्नत किस्मों में GCH सीरीज के बीजों के अलावा DCH सीरीज व हाल ही में मंडौर में विकसित RHC सीरीज की नई हाइब्रिड किस्में आदि शामिल हैं। कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर द्वारा वर्ष 2022 में आइडेंटिफाई RHC 2 बेहतर किस्म मानी गई है। इससे 35 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसमें मुख्यतः 3-4 हाइब्रिड किस्में अपने राजस्थान में बोई जाती है, जिसमें GCH 7 है, GCH 8 है, RSC 1 है जो मंडोर से रिलीज है, और उसके अलावा DCH 177 है, DCH 519 है। ये कुछ मुख्य किस्में हैं जो अपने यहाँ पे राजस्थान के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा एक नया हाइब्रिड RSC 2 अभी आइडेंटिफाई हुआ है जो पश्चिमी राजस्थान में उपयोगी पाया गया है।
बीजों के किस्म के चयन के मामले में बेहतर होगा कि किसान अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से परामर्श कर क्षेत्र में सफल होने वाली प्रजातियों के बीज को ही खेत में लगाने में प्राथमिकता दें, जिससे बेहतर व अधिक मुनाफा मिल सके। जी सेट 8 और RSE1 में मुख्य अंतर ये है कि RSE1 पैदावार में जी सेट 8 से करीब 10-12% ज्यादा है, ये 35-38 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है, जबकि वो 28-30 क्विंटल प्रति हेक्टर की पैदावार देती है जी सेट 8। दूसरा, जी सेट 8 के मुकाबले इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है और कीट प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है, जो चूसक कीड़े आते हैं उसमें ये ज्यादा सेंसिल है इन कंपेयर टू जी सेट 8। अरंडी की पैदावार अच्छी प्राप्त करने के लिए बीज का उपचार किया जाना जरूरी होता है, इससे बीज का अंकुरण अधिक तथा रोगों का प्रभाव कम होता है। अरंडी बीज का उपचार थिरम या कैप्टान से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडिलियम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होंगे तो पौधे में बीमारी की समस्या आ जाएगी और पैदावार पर असर पड़ेगा। बीज उपचार इसीलिए किया जाता है जिससे पौधों को हानिकारक कीटों से बचाया जा सके और उन पर रोग का प्रकोप न होने पाए। हाइब्रिड अगर आप लेते हैं तो हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी का हो या सर्टिफाइड सीड ही ले ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां कई हाइब्रिड के नाम पे मिक्सर भी मार्केट में दे देती है, तो सर्टिफाइड सीड इसमें ज्यादा उत्तम रहेगा। और हाइब्रिड क्योंकि दो प्रजातियों के मिश्रण से बनता है, तो अगर उनके पेरेंट प्योर नहीं रहेंगे तो हाइब्रिड के अंदर गोभी फूल की समस्या भी आ सकती है, जो आजकल ज्यादातर किसानों की शिकायत होती है। गोभी फूल का मतलब है कि ऊपर के हिस्से में तो कैप्सूल आते हैं, लेकिन नीचे के हिस्से में ये जो पीले फूल है, इस तरह की समस्या ज्यादा आने लगती है। ये पीले फूल अगर 50% से ज्यादा हो तो इसको हम नॉन डिजायरेबल बोलते हैं या अवांछनीय बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक अशुद्धि की वजह से आता है। ये बीज के साथ आई हुई समस्या है, तो इसका कोई पर्टिकुलर निराकरण नहीं हो पाता है। इसको हम टाइमली पानी देके और यूरिया का छिड़काव करके भी हम इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव वही होगा कि आप उत्तम क्वालिटी का बीज लेंगे तो ये समस्या आपके नहीं आएगी। अरंडी की खेती के लिए उर्वरक का अच्छी तरह से प्रबंधन उत्पादन को बढ़ा देता है। अच्छी खाद व उर्वरक प्रबंधन से अरंडी के दानों में तेल का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। अरंडी चूंकि एक तिलहन फसल है, इसका उत्पादन बढ़ाने व बीजों में तेल की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिए बुआई से पहले 20 किलोग्राम सल्फर 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम मिलाकर प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। इस प्रकार से खेत को तैयार करने से अरंडी की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अरंडी खरीफ की फसल है, उस समय वर्षा का समय होता है। वर्षा के समय में 1.5 से 2 महीने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवधि में पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जो सीधा फसल पर असर डालती हैं। अरंडी के पौधों की जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएं और जमीन पर अच्छी तरह से पकड़ बना लें, तभी नमी आवश्यकता से कम होने पर पहली सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा समय पर नहीं हुई तो उस अवस्था में सामान्य रूप से 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। फसल पर फूल आते समय सिंचाई अत्यधिक लाभदायक होती है। ध्यान रखना चाहिए कि अरंडी की फसल को अधिक सिंचाई न दें, क्योंकि अधिक सिंचाई होने पर फसल में फफूंद जनित समस्या उत्पन्न हो सकती है। 60 से 90 दिन की फसल पे आपको सामान्यतः ये समस्या खेत में दिखने के मिलेगी, इसको जड़ गलन या रूट रोट बोलते हैं। इसमें आप ये देखोगे कि पौधे का जो जड़ वाला हिस्सा है वो काला हो गया है और ऊपरी जड़ की जो सतह है वो पूरी तरह से इसमें सड़ चुकी है। इस स्थिति में आपको ये जड़ गलन के सिम्टम है, तो इस स्थिति में आपको कार्बेंडाजिम का एक घोल पूरे खेत में आपको हर पौधे पे एक बार ड्रेंचिंग करना है। इससे आसपास के पौधों में भी ये नहीं फैलेगा और साथ ही साथ जो अगले साल अरंडी आप फसल लेते हो तो उसमें भी ये समस्या आपको नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फसल की बढ़वार को खरपतवार और साथ ही साथ कीट काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में सही समय पर इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए बताते हैं आपको कि अरंडी की अगर हम फसल लगा रहे हैं तो कब खरपतवार लग सकती है और कौन से कीट परेशान कर सकते हैं और किस तरह से इनके लिए प्रबंधन किया जाए। आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर।
अरंडी की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। वर्षा के कारण इस मौसम में सामान्य रूप से इनमें काफी मात्रा में खरपतवार उगाते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में यदि इसकी रोकथाम न की जाए तो अरंडी के पौधे लंबे व काफी कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पहली गुड़ाई बोने के 3 सप्ताह बाद जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो तब की जानी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम पेंडामेथिलीन 30 ईसी रसायन को 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन छिड़काव करने से भी खरपतवार नियंत्रण होता है। प्रारंभिक अवस्था में 45 दिन तक खरपतवार रहित रखने से अरंडी की फसल की अच्छी उपज मिलती है। इसके बाद फसल की बढ़वार जोर पकड़ लेती है और खरपतवार कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा पाते। अरंडी की फसल में प्रमुख रोग जड़ गलन व उकठा जैसे रोग लगते हैं। ये फाइटोप्थेरा नामक कवक द्वारा जनित होती है। सामान्यतः यह बीमारी पौधों के 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होने तक पौधे की प्रारंभिक बढ़वार की अवस्था में लगता है। इसमें मुख्य तौर पर 2 बीमारियां आती है, जो जड़ गलन और उकठा बीमारी है। उनके निराकरण के लिए पहला उपचार तो बीज उपचार है। बीज उपचार आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति केजी के हिसाब से बीज के साथ करके और फिर बुआई करें तो इस समस्या से थोड़ा निदान मिलेगा। अगर ये समस्या फिर भी बहुत गंभीर बनी हुई है खेत में तो आप कार्बेंडाजिम पाउडर का घोल करके और खेत में पौधे के पौधे ड्रेंचिंग कर सकते हो, या कोई डब्बा लेके हर पौधे में आप पानी के साथ कार्बेंडाजिम का घोल पिला सकते हो। इससे आपके ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी आप बुआई के पहले कर सकते हो। खाद के अंदर 250 kg खाद के अंदर ट्राइकोडर्मा पाउडर मिक्स करके उसे भिगो करके रखें, फिर बाद में खेत में बुरकाव कर दें और गोबर की खाद अवश्य दें। इससे क्या होगा कि ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से जमीन में ग्रो करेगा। पत्तियों पर सेमी लूपर नामक कीट का प्रकोप होता है। अगस्त से सितंबर माह में इस कीट का प्रकोप बहुत ही तेज होता है। इन रोगों के नियंत्रण के लिए क्विनफॉस नामक रसायन को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्तों की बीमारियों के बारे में 1-2 छोटी मोटी बीमारियां आती है, लेकिन इसके अंदर एक कीड़ा आता है जो मुख्य रूप से पत्ते खाता है, जिसको सेमी लूपर बोलते हैं। ये कीड़ा सितंबर महीने में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उस वक्त हम एक स्प्रे क्विनोलफॉस का कर सकते हैं। क्विनोलफॉस काफी असरदार कारक होता है इसके कीड़े को मारने के लिए। लेकिन शुरुआती स्थिति में अगर आप खेत में जाएंगे तो पत्ते के ऊपर अगर जालियां बनी दिखे, कोई भी पत्ता जाली नुमा हो या जिसके ऊपर पूरा सिर्फ जालियां दिख रही हो, बाकी पत्ता खा गए हों कीड़े, तो उस स्थिति में आप ये अच्छी तरह देख लें कि वो कीड़ा अब खेत में आ चुका है और आपको एक स्प्रे करना है। अरंडी का पौधा 2 सीजन चलता है। अरंडी की फसल सामान्यतः 6 से 8 महीने में पककर तैयार हो जाती है, परंतु सभी फल एक साथ नहीं पकते हैं। आमतौर पर फलों का पकना दिसंबर के महीने में शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। संपुटों के पीले पड़ते तथा सूखते ही उन्हें काट कर सुखा लेना चाहिए। अधिक पक जाने से कुछ किस्मों के संपुट चटकने लगते हैं और बीज खेत में ही बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कटाई के लिए न तो उन्हें अधिक सूखने देना चाहिए और न ही हरे फलों को तोड़ना चाहिए। जब लगभग 75% फल पक जाएं, तब पुष्प गुच्छ को तोड़कर पहली चुनाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद लगभग 25 दिनों के अंतर पर 2 से 3 बार चुनाई करनी चाहिए। इस प्रकार अरंडी की पूरी फसल की कटाई 3 से 4 चुनाइयों में पूरी हो जाती है। तुड़ाई के लिए इसमें 4 से 5 तुड़ाई की जा सकती है, ज्यादातर 4 तुड़ाई प्रेफर की जाती है। पहली तुड़ाई 120 से 140 दिन के मध्य करनी होती है और इसमें करीब 3 से 4 क्विंटल पैदावार आती है। उसके बाद दूसरी तुड़ाई हर 30 दिन के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी तुड़ाई करके अप्रैल तक इस फसल को लिया जा सकता है। संपुट गुच्छों को तोड़ने के बाद खलिहान में उन्हें अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। फिर उन्हें डंडों से पीटकर बीज को अलग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त संपुटों में से बीज थ्रेसर से भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को साफ करके सुखा लेते हैं। अरंडी की खेती में लागत की बात की जाए तो इसकी खेती में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत आती है, क्योंकि अरंडी की फसल में पानी काफी कम लगता है। उन्नत कृषि विधियों को अपनाने पर सामान्य रूप से असिंचित क्षेत्रों में 8 से 10 क्विंटल तथा सिंचित क्षेत्रों में उन्नत किस्मों से 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। मार्केट भाव जो रहता है आखिर में 4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव से इसका कैस्टर का भाव रहता है, तो 40 से 45 क्विंटल तक अगर अच्छी पैदावार ड्रिप पे ली हो तो इसमें बहुत अच्छा
रेवेन्यू जनरेट होता है। अरंडी की खेती में असिंचित क्षेत्रों में लगभग 10 से 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्रों में लगभग 20 से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। अरंडी का भाव सही रहने पर असिंचित क्षेत्रों में 20 से 25,000 रुपए तथा सिंचित क्षेत्रों में 35 से 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अरंडी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसका प्रयोग सीधा मनुष्य के लिए नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि इसके तेल में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य और सुंदरता के लिहाज से काफी फायदेमंद होते हैं। तो फिर आइए अब कार्यक्रम में आपको अरंडी तेल के फायदों के बारे में ही जानकारी देते हैं। गठिया रोगी व्यक्ति की अरंडी के तेल से मालिश करने पर उसे दर्द में आराम मिलता है। अरंडी का तेल मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। अरंडी के तेल को गर्म दूध में मिलाकर पीने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। बालों में अरंडी का तेल लगाने से बाल चमकदार, लंबे, घने होते हैं। इससे बालों का रूखापन और डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होती है। इसके लिए हरे अरंडी की 20 से 50 ग्राम जड़ लें, इसे धोकर कूट लें और 200 मिलीलीटर पानी में पकाएं। पकने के बाद जब ये करीब 50 मिलीलीटर रह जाए तो इसका सेवन करें, इससे पेट की चर्बी कम होगी। अरंडी के तेल की कुछ बूंदों को आंखों के आसपास हल्की मालिश करने से आंखों की सूजन से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अरंडी का तेल झुर्रियों को मिटाने, साइटिका के दर्द को कम करने, शरीर की मालिश करने व स्त्रियों के मासिक विकार को भी दूर करने में लाभदायक होता है। अरंडी के तेल का उपयोग औद्योगिक इकाइयों के द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी खली का उपयोग पशु चारा बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां करती हैं। अरंडी की खली का जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है, इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अरंडी का तेल मुख्य तौर पे ग्रीस और प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें काम आता है। इसका जो ऑयल है इसको तोड़ करके इससे प्लास्टिक मटेरियल, ग्रीस मटेरियल, कुछ कॉस्मेटिक मटेरियल, सोप इंडस्ट्री और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में मेनली काम लिया जाता है। इसके अलावा एक इसका मेडिसिनल वैल्यू ये है कि केस्टर का ऑयल कब्ज के समय काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल करना उचित नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंट होता है, थोड़ा जहरीला रिसिन प्रोटीन होता है जो आदमी के ह्यूमन नेचर या मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। साबुन एवं रबर संबंधित उद्योगों में अरंडी के तेल का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इन उद्योगों में अरंडी के तेल का उपयोग प्रमुखतः प्रतिस्थापक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनों में अरंडी का तेल स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे देश में औषधीय पौधों की जो खेती है वो लगातार बढ़ रही है। अरोमा मिशन के तहत हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ऐसी ही फसलों की खेती को अपनाए और यही नतीजा है कि इन फसलों का जो रकबा है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है और ऐसी ही फसलों में शामिल है अरंडी भी। हमारे किसान इसकी खेती को अपना रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं। बता दें आपको इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है हमारी सरकार का। हमारी सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित रही है कि वो अरंडी की खेती को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर अपनाएं ताकि इसका विदेशों में निर्यात किया जा सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। आइए इसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अरंडी एक व्यवसायिक फसल है, इसकी खेती के लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती करना अन्य पारंपरिक फसलों के मुकाबले बेहद सस्ता है। सरकार द्वारा इसमें बूंद बूंद सिंचाई या फुहारा सिंचाई के लिए प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी उपलब्ध है, तो अगर कोई किसान अपने खेत में अरंडी फसल बोता है तो उसमें अगर बूंद बूंद सिंचाई या फुहारा सिंचाई लगाता है तो वो सब्सिडाइज रेट पे ये खरीद सकता है। अरंडी के बीजों का इस्तेमाल तेल बनाने में किया जाता है। इसके तेल का इस्तेमाल कपड़े की डाई और साबुन, औषधीय तेल और बच्चों को मालिश करने वाले तेलों के प्रोडक्ट को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। अरंडी के तेलों पर किसान अच्छी कीमत इसीलिए भी हासिल कर सकता है क्योंकि इसे स्टोर करना काफी आसान है। शून्य तापमान में भी ये तेल जमता नहीं है। अरंडी के तेल का निर्यात अधिकांशतः विदेशों में होता है। अरंडी की जो एक्सपोर्ट है वो मुख्यतः तेल के रूप में की जाती है। इंडस्ट्री ऑयल एक्सपोर्टर इंडस्ट्री जो है उसका तेल निकालने के बाद एक्सपोर्ट करती है। चाइना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में इसका मुख्यतः एक्सपोर्ट किया जाता है और
जो बीज है वो ज्यादातर इंडस्ट्री खरीदती है, मंडी से डायरेक्ट प्रोक्योर करती है, और मंडी के अंदर जो राजस्थान की और गुजरात की मंडियां हैं उनमें मुख्यतः इसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसकी मंडियां हैं। बाजार में औसतन 5,400 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव पर किसानों से अरंडी के तेल की खरीद की जाती है। मार्केट भाव जो रहता है आखिर में 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से इसका कैस्टर का भाव रहता है, तो 40 से 45 क्विंटल तक अगर अच्छी पैदावार ड्रिप पे ली हो तो इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसी स्थिति में किसान एक हेक्टेयर में 25 क्विंटल तक तेल का उत्पादन करता है तो वो आराम से 1,25,000 रुपए तक का मुनाफा हासिल कर सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आपने अरंडी की खेती के बारे में जाना, किस तरह की आपको मिट्टी चाहिए, बीज कैसा हो, उर्वरकों का प्रबंधन कैसा हो, पानी की कितनी मात्रा आपको चाहिए, साथ ही इसके तेल और पत्तों के फायदों के बारे में भी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली, सरकार की नीतियों को भी आपने जाना है। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। इसके साथ बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।